प्रणाम। श्रीमद् भागवत को प्रणाम। परम पूज्य गुरु जी को प्रणाम। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। लव यू मां। Thank you. आज हम भागवत महात्म में आरंभ करते हैं। गुरु जी कहते हैं, अब पद्म पुराण में प्राप्त भागवत महात्म की कथा का प्रारंभ होता है। इसमें 6 अध्याय हैं। नैमिषे सूत मासिनम। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि जब यज्ञ कर रहे थे, तब वहां पर सूत जी आते हैं। ये सूत जी कौन है? भगवान वेद व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण के पुत्र हैं। सूत एक ऐसी जाति होती है जिसमें माँ ब्राह्मण जाति की होती है और पिता क्षत्रिय जाति के होते हैं। ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। उनका जो पुत्र होता है उसे सूत कहते हैं। ये सूत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने अपने पिताजी से सब कुछ सीख लिया था। ऋषियों की सभा में जाकर वे पुराण की कथा सुनाते थे। बड़े बड़े ऋषि भी इनको नमस्कार करते थे, ऊंचे आसन पर बिठाकर इनसे कथा सुनते थे। अब पहले हम नैमिषारण्य शब्द पर विचार करेंगे। इसका अर्थ 2 रीति से लगाया जा सकता है। एक बार बहुत सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछते हैं, महाराज हम कहाँ साधना करें? तो ब्रह्मा जी ने उनको एक घूमता हुआ चक्र दिया और बोले, जहां यह चक्र स्थिर हो जाएगा वहां साधना के लिए उत्तम स्थान होगा। नेमि शीर्यते यत्र तत् नैमिष्यः। वे सब चक्र लेकर चल पड़े और घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां चक्र की गति रुक गई। वह स्थान उत्तर प्रदेश में लखनऊ के निकट स्थित है और उसका नाम है नैमिषारण्य। इस कथा का तात्पर्य यही है कि जहां हमारा मन भटकना बंद हो जाए, उसके विक्षेप शांत हो जाए और उसमें स्थिरता आ जाए, वही स्थान साधना के लिए उत्तम है, वही नैमिषारण्य है। अब दूसरी रीति से देखें तो निमिष का अर्थ होता है एक क्षण अथवा पलक झपकाना। तो जहां भगवान ने क्षण मात्र में सभी दैत्यों का संहार कर डाला था, उस स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। अर्थ दोनों का एक ही हुआ। जहां पर हमारे मन की गति वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं या हमारी आसुरी वृत्तियां तत्क्षण समाप्त हो जाती हैं, वह नैमिषारण्य है। जैसे प्राय लोग जब पहली बार किसी आश्रम में जाते हैं तो कहते हैं, देखो यहाँ कितनी शांति है। कहीं कहीं पहुंचकर ऐसा लगता है कि मन को बड़ी शांति मिल रही है। ऐसे स्थान को ही नैमिषारण्य कहते हैं। ऐसे नैमिषारण्य में
88,000 ऋषि, 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए। कहीं कहीं स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ परमात्मा प्राप्ति भी होता है, परंतु कर्म कांड से प्राप्त स्वर्ग तो स्वर्ग लोक ही होता है। यज्ञ के बीच बीच में मध्यांतर हुआ करता है, उस समय भगवान के नाम का जप, कथा, श्रवण आदि करने का विधान है। 88,000 ऋषियों के सम्मुख के 88,000 ऋषियों के प्रमुख शौनक जी सूत जी को नमस्कार करते हैं और उन्हें आसन पर बिठाकर निवेदन करते हैं। सूत आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप मेरे कानों को अमृत लगने वाली भगवान की कथा सुनाइए। अब कथा अर्थ का शब्द का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। प्राय हम कथा का अर्थ कोई कहानी किस्सा ही समझते रहते हैं, परंतु वास्तव में तो कथा का अर्थ है कथ यानी कहना। हम कहते किस लिए हैं? किसी वस्तु को प्रकाशित करने के लिए, उसका बोध कराने के लिए। कथ्यते प्रकाशयते यथा, जिसके द्वारा कोई चीज कही जाती है, प्रकाशित की जाती है, उसे कथा कहते हैं। इसलिए राम कथा का तात्पर्य केवल कोई कहानी नहीं होता। अब श्री रामचंद्र जी कौन है, उनका क्या सब रूप है, यह सब जिसमें प्रकट किया जाता है उसे राम कथा कहते हैं। तो शौनक जी कहते हैं, आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बढ़ने लगे और मोह, माया, आसक्ति, राग, द्वेष, क्रोध आदि घटने लगे। इस कलयुग के जीव आसुर दुष्ट भाव को प्राप्त होकर बड़े दुखी हो रहे हैं, तो उनके लिए अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का, कृष्ण प्राप्ति का सबसे बड़ा पावन कार्य और शीघ्र फलदायी साधन कौन सा है? आज हम लोग इंस्टेंट कॉफी के युग में हैं, हमें सभी कुछ तत्क्षण चाहिए, भगवत प्राप्ति भी। कुछ लोग कहते हैं, स्वामी जी कथा तो 2.5 घंटे तक चलती है, वे बहुत लंबा समय होता है, आप 2 मिनटों के लिए हमें कोई उपदेश दे दीजिए। 2 मिनटों में बताया तो जा सकता है तत्त्वमसि, लेकिन क्या समझ में आएगा? तो जीवों के लिए सबसे सरल साधन बताया गया, भगवान नाम स्मरण। कल्प वृक्षादि हमें जो चाहिए हो उसे दे सकते हैं। लौकिक सुख स्वर्ग आदि भी दे सकते हैं, लेकिन गुरु तो वैकुंठ ही प्रदान करते हैं। वैकुंठ का अर्थ स्वर्ग लोक नहीं समझना। वैकुंठ वह है जहां पर माया की गति कुंठित हो जाती है। विकुंठिता बुद्धि यत्र भवेत, जहां बुद्धि विकुंठित हो जाती है, कुंद हो जाती है, वैकुंठ कोई साधारण लोक नहीं होता। शौनक जी का प्रश्न सर्व कल्याणकारी होने के कारण उत्तम माना जाता है। हमारे प्रश्न प्राय व्यक्तिगत होते हैं, जैसे मेरा विवाह कब होगा आदि, या फिर
लौकिक तथा आर्थिक समस्याओं के निवारणार्थ ही होते हैं। उन प्रश्नों के समाधान के लिए हम ज्योतिष के पास जाते रहते हैं। एक आदमी ज्योतिषी के पास जाकर कहने लगा, मुझ पर एक के बाद एक संकट आ रहे हैं, क्या मुझे इनसे कभी निवृत्ति मिलेगी? ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारी 6.5 सदी चल रही है, अगले 7 साल तक तुम्हें दुख ही प्राप्त होने वाला है। वह बोला, 7 साल के बाद तो सुख दुख से छुटकारा मिल जाएगा ना? तो बोले, नहीं, 7 साल तक सहते सहते तुम्हें दुख सहने की आदत हो जाएगी। तो प्रश्न ऐसा हो जिससे यह भव रोग ही मिट जाए, दुखों की जड़ ही मिट जाए, कठिनाइयों को एक एक करके कब तक दूर करते रहेंगे? कहा गया है कि बिना पूछे बताना नहीं चाहिए, और अन्याय पूर्वक या अनादर पूर्वक पूछे तो भी नहीं बताना चाहिए। सूत जी कहते हैं, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, भगवान में तुम्हारी बड़ी प्रीति है और तुमने आदर पूर्वक पूछा है, इसलिए मैं सर्व सिद्धांतों का सार तुम्हें सुनाता हूँ। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। संसार के भय और दुखों को पूर्णतः नष्ट करने वाले अमृत का नाम है श्रीमद् भागवत। इससे बढ़कर मन शुद्धि का और कोई साधन शास्त्र नहीं है। आगे गुरुजी कहते हैं, यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों का पुण्य फलीभूत होने पर भागवत श्रवण का यह सुअवसर प्राप्त होता है जो कि हमें हो रहा है। हमारे ही कोई पुण्य कर्म है जिस वजह से हमें ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है। गुरु जी की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, यानी कृष्णा की कृपा है। जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते, वे कहते हैं यह सब तो प्रशंसा है, विज्ञापन है। देखो, ऋषि मुनियों को न तो विज्ञापन करके कुछ बेचना था, न ही किताबें छपवा कर बेचनी थी। वे तो ऐसे थे कि जब तक कोई आकर पूछता नहीं था, तब तक बताते भी नहीं थे। सच बात तो यह है कि भागवत ग्रंथ की, भगवान की, भक्त की जितनी स्तुति की जाए वह कम ही है। आगे बड़ी बढ़िया बात बताते हैं। सुखदेव जी जब परीक्षित राजा को कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए, तब देवता लोग अमृत कुंभ लेकर वहां पहुंच गए और सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज, इन्हें शाप मिला है कि तक्षक आएगा और उसके दंश से इनका मरण होगा, तो इन्हें हम यह अमृत कुंभ दिए देते हैं, ये भगवता अमृत आप हमें दे दीजिए। सुखदेव जी उन देवताओं की ओर देखकर कहते हैं, कव सुधा कव कथा लोके कव काच कव महिर माना ब्रह्म रतो विचार्य एवं तदा देवान जहास है। कहाँ तुम्हारा अमृत और कहाँ यह भागवत कथा? इस अमृत को पीकर तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ है? न तो तुम सब अमरण धर्म हुए और न ही तुम्हारा दुख दूर हुआ। ऐसे अमृत के बदले तुम लोगों को ये कथा दे दूं? ये अभक्त हैं, अभक्तांश
अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददु। इनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, ऐसा जानकर सुखदेव जी ने भागवत कथा देवताओं को नहीं दी। देखिए हमारे पुण्य जो देवताओं को नहीं मिली वो हमें मिल रही है। तुलसीदास जी साफ साफ कहते हैं, आए देव सदा स्वार्थी। श्री रामचरितमानस जी में ऐसा कहा गया, इनको केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है। इस प्रसंग से ये बात बताई गई है कि देवताओं के लिए भी ये कथा दुर्लभ ही है। क्यों दुर्लभ? बोले वे तो भोग के आसक्त हैं, यदि उन्हें कथा की प्राप्ति भी हो जाती तो वे उससे उकता जाते, उनको उसका आनंद नहीं ले पाते। परंतु जिन्होंने संसार को खूब परख लिया है और इसी कारण उन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे विरक्त लोगों के लिए यह कथा उपलब्ध होती है, वे ही इसके श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सुखदेव जी ने देवताओं को यह कथा नहीं दी, यह जानकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है और उससे भी भागवत सप्ताह विशेष है, क्योंकि पूरा भागवत कहाँ तक पढ़ा जाए, अतः कम से कम 7 दिन में भागवत कथा सुन ही लेनी चाहिए। हम इसे बहुत दिनों तक करेंगे, पर जैसे गुरु जी का सप्ताह था तो ये भागवत सप्ताह का पूरा यहाँ पर वर्णन लिखित रूप में हुआ है, बट हम हर रोज धीरे धीरे करेंगे तो बहुत दिनों तक चलेगी। राजा परीक्षित को शाप मिला था कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें काट खाएगा और उनका मरण होगा। यह जानकर राजा ने सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के किनारे जाकर बैठ गए। इसका अभिप्राय क्या हुआ? उन 7 दिनों में भागवत कथा सुनाकर सुखदेव जी ने उनके मरण को दूर कर दिया। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम सब का मरण भी 7वें दिन ही होने वाला है। वह कैसे? एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, किसी न किसी दिन हमारा भी मरण होने वाला है। सप्ताह का कोई भी दिन वो 7वां दिन हो सकता है, इसलिए हम सोमवार से गिनती प्रारंभ करें तो रविवार 7वां होगा। शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं तो शुक्रवार 7वां दिन होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि मृत्यु किसी भी दिन किसी भी क्षण हो सकती है, अतः समय न गवा कर मरने से पहले इस अमृत को पी ही लेना चाहिए। भगवता अमृत के श्रवण की प्राथमिकता हो, यही इस कथा का तात्पर्य है। 7वें दिन मरण तो होगा, लेकिन किसका? अहंकार का। तक्षक ने आकर काटा और प्रेक्षित का मरण भी हो गया, यह तो एक बात है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि तब वे समाधि में चले गए थे, उनको शरीर का भान ही नहीं था। ऐसे शरीर को कोई काट खाए या उसका मरण हो जाए तो उसे क्या अंतर पड़ता है? तो भागवत सप्ताह श्रवण से अहंकार का नाश हो जाता है, मरण हो जाता है। अब देखिए पुराणों की कथाएं ऐसी हैं कि एक कथा में दूसरी कथा निकल आती है। भागवत श्रवण विधि नारद जी को सनत कुमारों ने बताई थी,
ऐसा सुनकर शौनक जी ने पूछा कि नारद मुनि तो घूमते रहते हैं, उनका सनत कुमारों से कहाँ मिलना हुआ और उन्होंने श्रवण विधि कहाँ सुनी। अब नारद जी के विषय में भी लोगों को लगता रहता है कि नारद जी तो झगड़ा करने वाले हैं, परंतु नारद का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। एक बार नारद जी विचरण करते करते विशाला क्षेत्र बद्री का आश्रम में पहुंचे, जहां उनकी भेंट सनत कुमारों से हुई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? वे बोले, क्या बताऊं, मैं तो स्वर्ग लोक से ये सोचकर धरती पर आया था कि पृथ्वी बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि मनुष्य बड़े अधिकारी होते हैं। यहाँ आकर मैं कई स्थानों पर गया, अनेक तीर्थ क्षेत्रों में गया, परंतु मुझे कहीं भी संतोष नहीं मिला। लोगों की दशा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। नारद जी ने उस समय जो बात कही थी वो आज भी सच है। ऐसा लगता है कि कली ने यहाँ अपना डेरा डाल दिया। यहाँ सत्य नहीं है, तप नहीं है, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। लोग केवल अपना पेट भरने में लगे हैं और मिथ्यावादी हो गए हैं। मंदहा सुमंद मतेओ मंद भाग्या हेउ पद्रुतः, ये सब मंद बुद्धि और महा आलसी हैं, अर्थात अन्य व्यवहारिक कार्यों में बहुत हड़बड़ करते हैं, परंतु अपने श्रेय साधन में, सुबह उठकर भगवान का नाम स्मरण आदि करने में महा आलसी है। सही है ना? ऐसा वर्णन किया गया है। कलयुग के लोगों को भगवान नाम का भजन करने को कहें तो बोलते हैं, खाली पेट भजन ना होए। अच्छा तो थोड़ा खा लो, उसके बाद भजन कर लो। तो कहते हैं भोजन के बाद भजन नहीं, शयन होता है। तो ये लोग बड़े मंद हैं, आलसी हैं। लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी बहुत तेज है, लेकिन इस पुराण में कहा गया है सुमंद मतेह, ये अत्यंत मंद मूड है। इन्हें मंदमति क्यों कहा गया है? जो बुद्धि अपना ही नाश कर लेती है उसे अच्छी बुद्धि कह सकते हैं क्या? जरा सोचो, आज विज्ञान की इतनी प्रगति हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन उनका प्रयोग करने में भी भय लगता है। आज हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है कि हम अपना तो नाश करते ही हैं, दूसरों का भी विनाश कर डालते हैं। इसका क्या लाभ है? इससे न तो आत्म कल्याण होता है, न ही किसी और का कल्याण होता है। अच्छा, कोई आलसी हो, मंदमति हो, लेकिन उसका भाग्य तेज हो, तो बोले मंद भाग्य, उसका भाग्य भी कुछ अच्छा नहीं है। ये एक क्षण में हंसते हैं, दूसरे क्षण में रोते हैं, और उपद्रुता, इनके मार्ग में न जाने कितने विघ्न आते रहते हैं। ये शांति से कभी कोई काम कर ही नहीं पाते। पाखंड निरता और विरक्ता सप्रिग्रह, जो अपने आप को विरक्त कहते हैं, उनके पास धन आदि परिग्रह है, घर में पत्नी का राज्य चल ही रहा है। आज भी हम देखते हैं कि किसी किसी घर में लिखा हुआ मिलता है, आई एम द बॉस ऑफ द हाउस एंड
आई हैव माई वाइफ्स परमिशन टू से सो। मैं घर का स्वामी हूं और ऐसा कहने के लिए मुझे अपनी पत्नी की अनुमति है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धि दाय कहा। पत्नी का भाई परामर्श देने वाला बना है और लोग ऐसे लालची हो गए हैं कि पैसे के लिए अपने बच्चों तक का भी विक्रय कर देते हैं। तीर्थ स्थान आश्रम आदि दुष्ट लोगों के द्वारा घेर लिए गए हैं। ये देखकर मैं बहुत हैरान और दुखी हुआ कि लोग वेद आदि भी बेचने लगे हैं। इससे आगे नारद जी और भक्ति का संवाद आता है, जो कि हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद, नमस्ते, हरिओम।